जैसे यहाँ पे फोन किया, अभी हम भी लोग भी बात करेंगे, वो हमारी बात भी बात है। अम्बन से यहाँ गूल ट्रैवल कर रहा था तो यहाँ पर प्रोटेस्ट मैंने देखा, हमारे DDC के मेंबर यहाँ पर हैं, बाकी PRI के लोग हैं, यहाँ के जी शोर लोग हैं जो गांधरी ब्लॉक के लोग हैं। इनकी सड़क एक है जिसको PMGSY में पहले लिया गया, लेकिन उसके बाद उसको अब ड्रॉप कर दिया गया है कि उसमें कुछ सिंकिंग जोन आता है, तो ये बड़ी गलत बात है। सिंकिंग जोन तो ये पूरी साइल ही ऐसी है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उस सिंकिंग जोन को किस तरह से ट्रीट करें। तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा, LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि उस सड़क को इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए, उसका जो कंप्लीट किया जाए जो भी प्रोसेस है। PMGSY उसे ड्रॉप करने से कोई मामला हल नहीं होता, क्योंकि फंडिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ PMGSY में ही ज़्यादा अवेलेबल है, R&B के अंदर तो उतनी फंडिंग अवेलेबल नहीं होगी कि जिससे वो पूरी सड़क जो है वो तैयार हो सके। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर इन पर खास ध्यान देना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि इतने लोग अगर बैठे हैं और बहुत से लोग मुसाफिर जो यहाँ पर रुके हुए हैं, हालांकि इन लोगों ने जो पेशेंट थे या जो और कोई उस तरह का सीरियस नेचर का केस था उसको छोड़ भी दिया इन्होंने यहाँ से, लेकिन फिर भी बहुत से लोग रुके हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्होंने रास्ते में गाड़ियों में फंसे हुए हैं। तो अभी तक मैं तो तकरीबन 1 घंटा से यहाँ हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस SHO साहब यहाँ पर हैं और महकमा के लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इतना देर से कोई एक्शन होता है। हमने यहाँ से DDC साहिबा ने और मैंने चीफ नियर PMGSY से भी बात की, लेकिन मुझे अजीब, मैं बड़ा हैरान कन हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास यहाँ पर कोई हल किसी मामले का नहीं निकालते, बल्कि उसको लिंगर करने के, लंबा करने के मामले में फंसे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये प्रोटेस्ट बहुत जेन्युइन है और हम लोग पूरे जो हैं इसकी सपोर्ट करते हैं, जितने भी लोग यहाँ के हैं, हम गूल के रहने वाले हों, दूसरी जगहों के रहने वाले हों, हम सब लोग इनके इस काज के लिए इनको सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया।